चालू आज थोड़ा सा देखा। आज हम लोग जो है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एब्रेशन वैल्यू टेस्ट अभी हम लोग कौन से ग्रेड के लिए करने जा रहे हैं, ए ग्रेड के लिए। तो ए ग्रेड के लिए हमने जो सीव लिया है कौन कौन सा लिया है, 40 mm, 25 mm, 20 mm, 12.5 mm और लास्ट में 10 mm। टोटल हमने जो सैंपल लिया है वो 5 kg का सैंपल लिया है, और उसके अंदर जो है ए ग्रेड के एग्रीगेट के लिए जो हमारे पास चार्ट है IS कोड का, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसके अंदर आपको कैसे कैसे सैंपल लेने हैं। तो 5 kg का यदि आपने सैंपल लिया है, उस 5 kg के सैंपल के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 40 mm से पास हो जाए और 25 mm पर रिटेन हो, ऐसे 1250 ग्राम एग्रीगेट आपको ले लेना है। फिर 25 से पास हो और 20 पर रिटेन हो ऐसे 1250, 20 से पास हो 12.5 पर रिटेन हो ऐसे 1250 ग्राम, और 12.5 से पास हो और 10 पर रिटेन हो ऐसे 1250 ग्राम एग्रीगेट आपको लेना है। हमारे पास जो एग्रीगेट होगा वो कितने केजी का बनेगा, 5 kg का बनेगा। अब आप यहाँ पे एक चार्ट वैल्यू देख पा रहे हो IS कोड का, जिसमें हम लोग कितने स्फेरिकल बॉल, जो स्टील के बॉल हैं, वो हम लोग कितना ऐड करेंगे। तो ए ग्रेड के लिए आपको कितना ऐड करना है, 12 नंबर ऑफ स्पीयर स्फेरिकल बॉल, और जिसका जो वेट है वो 5000 ग्राम, प्लस ऑफ माइनस 25 जो है वो ऐड हो सकता है। बी के लिए 11, सी के लिए 8, डी के लिए 6, और इस तरीके से आप जो है इसका नंबर ऑफ बॉल जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप मुझे बता सकते हैं कि एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू से हमें एग्रीगेट की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू से कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, तो हार्डनेस। कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, हार्डनेस। एब्रेशन वैल्यू से हम लोग हार्डनेस की प्रॉपर्टी निकालते हैं सीव टेक्निक की मदद से, सीव एनालिसिस, और जिसमें हमें 1250 ग्राम का जो एग्रीगेट है दोनों सीव के बीच में जो रिटेन हो रहा है वो हमें मिलेगा। 40 mm से पास होके 25 mm पर रिटेन हो, ऐसे एग्रीगेट के सैंपल हमें लेने हैं। तो हमें जो है एग्रीगेट की ग्रेडिंग करने के लिए हमें सीव सेकिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सीव सेकिंग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग सीव सेकिंग स्टार्ट करेंगे। आपको सीव सेकिंग करते समय ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा बोल्ट जो है फिक्स होना चाहिए अच्छे से, जो क्या है सीविंग के दौरान, सेकिंग के दौरान जो है ये ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको लगभग सकते हैं। अच्छे से बंद कर लो, एक मिनट टाइमर स्टार्ट करेगा, एक मिनट तक हम लोग सीव सेकिंग करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल में आप टाइमर देख लीजिए या घड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग सीव सेकिंग शुरू कर दिए हैं। निकाल लो और बस चलो डाल दो, एक और छोटा सा निकाल दो, चल। तो हमने सैंपल ले लिया है, हो गया चलो बंद कर। एक ग्रेड का जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग नंबर ऑफ बॉल जो हमें ऐड करना है, उसमें 12 नंबर ऑफ बॉल जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे मशीन के अंदर। लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है, इस मशीन के अंदर हम पूरा का पूरा मटेरियल सैंपल सबसे पहले एग्रीगेट डालेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ बॉल जो है स्पीयर डालेंगे, उसके बाद हम इसका 500 राउंड घुमाएंगे, ठीक है। हाफ एन आवर, 30 मिनट, या फिर हम लोग 500 राउंड इसका
घुमाना है और जो रिवोल्यूशन होगा। तो उसके बाद जो सैंपल हमें एब्रेसिव चार्ज की मदद से जो टूटेगा उसका हम लोग 1.76 एमएमसीवी से पास करके वेट 2 ले लेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों का रेशियो निकाल के हमें एब्रेशन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। डायमेंशन आर गिवन इन द एज पर में सब कुछ दिया हुआ है डायमेंशन, ठीक है। 70 का उसका आई थिंक लेंथ होता है एंड 50 समथिंग डायमीटर, नॉट श्योर बट ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। एंड वन थिंग, अंदर आप देखोगे तो एक प्रोजेक्टेड पार्ट होगा, अंदर देखोगे तो एक प्रोजेक्टेड पार्ट होगा। देखो ये पार्ट जो होता है इसलिए दिया जाता है ताकि अच्छे से एब्रेशन आए, ठीक है। वरना क्या होगा, बोल अच्छी तरह से घूमेंगे नहीं इसके एब्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है थोड़ा ऊपर से, जिसकी वजह से अच्छे से आप एब्रेशन दे पाओ, ठीक है। तो अब हम सैंपल डाल देंगे अंदर, ग्रेड कौन सा था हमारा एग्रीगेट का, हमने ए ग्रेड ए, ठीक है। तो एज पर आईएस कोड हमें कितने बोल्स अंदर डालने चाहिए, 12, ठीक। तुमने आउट है तो एकम क्रिकेट आउट है तो एकम क्रिकेट आओ आओ आउट है डीएसएस फीस सर, हां सर इसको पैक कर दो, सभी बोल्ट को प्रॉपर वे से क्लोज करना है कि आपको ओपन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट। जब कभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक बार आपको टाइट है कि नहीं, नॉट जो बोल्ट है वो टाइट है कि नहीं, वो एक बार आपस से चेक कर लेना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस मशीन का जो रिवोल्यूशन है, जो RPM है वो 33 RPM है रिवोल्यूशन पर मिनट, और हमें जो है 500 राउंड इसको रोटेशन करवाना है, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से हम लोग मैन्युअली इसका रोटेशन काउंट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग टेस्ट को शुरू करेंगे।